Joining us at this point of time is my colleague Gulshan Grover. He's joining us live from Gurugram. Gulshan, if you could give our viewers an understanding on the situation on ground and how are the people feeling, what is their appeal to the government amidst, this situation? All right, I think we're having some troubles over there, but my colleague Anil is still with us on the broadcast. Anil, if you could give our viewers an understanding on how people are feeling, what is their appeal to, the newly elected government? Of course, we've just gone through an election cycle and now we see a situation like so. No tweets, no nothing, no one's giving any sort of, an advisory. People of the national capital are ought to feel hopeless. Okay, all right, we're facing some troubles there as well. All right, Anil, agar aapko meri awaaz aa rahi hai abhi, logon ko dikkatein mehsoos ho rahi hai, unko लग ही नहीं रहा कि उनके पास कोई अदर ऑप्शन है और इतने सारे लोग हैं नेशनल कैपिटल में जिनके पास गाड़ियां नहीं है, उनको अभी भी ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ रहा है, उनके लिए कितनी दिक्कतें महसूस हो रही होंगी उनको, आप हमें बता सकते हैं, इनफैक्ट उनसे बात करके बता सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या अपील है फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट? देखिए, मैं आपको बता दूं, मानसून की जैसे ही शुरुआत हुई और तस्वीरें बदल गई। हालांकि गाजियाबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, सुविधाओं की बात की जाती है, पर जो तस्वीरें आज दिख रही हैं, वाकई ही वो बदली हुई तस्वीरें दिख रही हैं। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा, ये NH9 को कनेक्ट करने वाली सड़क है और यहाँ पर आसपास में काफी अच्छा एरिया है और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तो आप समझ सकते हैं जो लोगों को दिक्कतें आ रही है वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। जो तस्वीरें आप ग्राम में बयां कर रही हैं, किस तरीके से लोग मजबूर हैं इस पानी में अंदर जाने के लिए, क्योंकि ये सड़क है और कई घटनाएं भी इस तरीके की हुई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम अपने दर्शकों को ये अपील भी करेंगे कि लोग निकलें तो बेहद ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ऐसी सड़कें होती हैं, पता नहीं रहता कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर सही जगह है, कहीं सही सड़क है। तो क्योंकि तस्वीरें अपने आप दिख रही हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो 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 गाड़ियां हैं, गाड़ियों के आधे टायर जो है वो डूबे हुए हैं और जो टू व्हीलर पे वाहन स्वामी हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको भी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। पर उनका कहना है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, जब वोट का टाइम होता है जरूर आश्वासन दिया जाता है कि हम पहले से ही मानसून का ध्यान रखेंगे, आपके जो नाले जो है उनकी साफ सफाई तरीके से की जाएगी, पर जो तस्वीरें दिखी है वाकई For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.